आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। मेरी माटी मेरे देश प्रोग्राम के तहत आपको बता दें कि स्टेट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट द्वारा एक एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर इंक्लूड हुए, उनके साथ कलेबरेट किया हुआ। और पर यहाँ पर आपको बता दें जो एग्जीबिशन लगाई गई है ये सारे अपना हुनर जो है प्रदर्शित कर रहे हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर जो है इस एग्जीबिशन की जो है इनॉग्रेशन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि हैंडलूम्स की बात की जाए, हैंडीक्राफ्ट की बात की जाए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है स्टेट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और मेरी माटी मेरे देश के तहत ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई। इसके साथ साथ हाथ से बनी हुई कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगी जो हम ज़्यादातर घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर कई तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इनसे भी बातचीत करते हैं, जानते क्या क्या। अच्छी, कौन से डिपार्टमेंट से आप? हेल्थ से, मैम। क्या कहना चाहोगे, ये जो एग्जीबिशन लगाई है कितना आपको मिलता है? मैम, हमें ये जितना सेल करोगे उसके ऊपर मिलता है, हमें जितना सेल करेंगे उसके ऊपर मिलता है। क्या कुछ आपके पास है, क्या कुछ बनाया आपने? मैम, हमने जेस पैटर्न वगैरह बनाए हुए हैं ये, और हमने कृष्ण के वो झूले बनाए हुए हैं, कृष्ण के बस्तर बनाए हुए हैं, और साथ में ये हमने कटोरी ये बनाई हुई है टोकरी, और ये मैम वो बनाया गया है आम का अचार बनाया, मीठा बनाया हुआ है, कुछ खट्टा बनाया हुआ है मैम, और घर की हमने मिर्ची ये बनाई हुई है, हल्दी बनाई हुई है, ये हैंड वर्क है मैम सारा। कितनी पसंद आती है जब भी एग्जीबिशन आपकी लगती है? मैम, काफ़ी पसंद करते हैं लोग, अभी काफ़ी सेल हो चुकी है हमारी मैम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हैंडमेड हैंडबैग जो है यहाँ पर बनाया गया है, और भी कई तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर है। ये जो पक्की हम बोलते हैं जिसे, इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन आज के टाइम में जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई और हम लोग उस चीज़ों से उतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके की जो चीज़ें हैं इसको अभी भी उपयोग में जो है वो लाया जा रहा है, और भी कई तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। तो स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर नम्रता डोगरा हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरह से मेरी माटी मेरे देश को लेकर लगातार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो आज का ये जो इनिशिएटिव है आपका, इसमें एग्जीबिशन जो लगाएगी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरा माटी मेरा देश का जो बेसिक थीम है ना, वो हमें अपनी मिट्टी के साथ जोड़ता भी है। तो आज जो ये एग्जीबिशन लगी है ये उसी थीम को दर्शाते हुए है कि किस तरीके हमारा अपना जो कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं, हमें किस तरह उनको प्रमोट करना चाहिए, और हमारा डिपार्टमेंट जो है इसमें एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम इंक्लूड करना चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स को, अपना जो यहाँ मिट्टी से बना सामान है उसका। तो बहुत सारा अपना डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ऑफिशियल सारे यहाँ पे आएंगे, तो मेरे ख्याल से वो देखेंगे जब इनको, और इनको इस घर लेके जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो एक मैसेज जाएगा हर घर में कि भाई किस तरीके से हमें अपनी मिट्टी से बनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस तरह का जो प्रोग्राम जो है करवाया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया। मुझे लगता है कि जो हमारे डेली लाइफ में भाग दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने मिट्टी से जो दूर होते जा रहे थे, इस तरह के प्रोग्राम से मुझे लगता है कि हम फिर अपने मिट्टी के साथ जुड़ेंगे, और एक मैसेज आएगा कि सिर्फ बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करने से ही तरक्की नहीं दर्शाती है, अपना हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, अपना कल्चर को प्रमोट करने से भी हमारा देश तरक्की परस्त देश है वो नज़र आता है। जी, धन्यवाद। तो साफ तौर से यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट द्वारा एग्जीबिशन लगाई गई थी जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, और आपको बता दें मेरी माटी मेरे देश को लेकर प्रोग्राम जो चल रहा है, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें भी जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई, और का ये कहना है कि हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब तक हम अपने कल्चर को नहीं जान जाते, अपने कल्चर को जब तक आगे नहीं लेकर बढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने कल्चर को पहचानना चाहिए, उसे आगे लेकर बढ़ना चाहिए, तभी हम कामयाबी जो है हासिल कर सकते हैं। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमक।